हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं ट्विन्स प्रेगनेंसी में प्लासेंटा को लेकर के, स्पेशली एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। और बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहते हैं कि कौन सी पोजीशन होने पर लड़का होता है एंड कौन सी पोजीशन होने पर लड़की होती है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और लास्ट में मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लासेंटा क्या होता है। प्लासेंटा ट्विन्स प्रेगनेंसी में वो महत्वपूर्ण अंग होता है जो गर्भाशय की दीवार के साथ बनता है और गर्भनाल के थ्रू बच्चों से जुड़ा रहता है, और ये ट्विन्स बेबी को पोषक तत्व एंड ऑक्सीजन देने का काम करता है, और इसके साथ ही जो भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने का काम करता है। ट्विन्स में प्लासेंटा की जो संख्या होती है वो अलग अलग हो सकती है। अगर आपकी डाइकोरियोनिक ट्विन्स प्रेगनेंसी है तो आपके प्लासेंटा दो होंगे, बट अगर आपकी मोनोकोरियोनिक ट्विन्स प्रेगनेंसी है तो आपका प्लासेंटा एक ही होगा। अब हम बात करते हैं कि ये ट्विन्स प्रेगनेंसी में एंटीरियर एंड पोस्टीरियर प्लासेंटा का क्या मतलब होता है। एंटीरियर प्लासेंटा का मतलब होता है कि जो आपका प्लासेंटा है वो आगे की तरफ है, यानी कि पेट की तरफ है, और जो आपका बेबी है वो पीछे की तरफ है, तो इसी कंडीशंस को बोला जाता है। पोस्टीरियर का मतलब होता है कि आपका जो प्लासेंटा है वो पीछे की तरफ है एंड जो आपका बेबी है वो आगे की तरफ है। ये जो आपका प्लासेंटा होता है वो आपकी पूरी प्रेगनेंसी ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पर भी हो सकता है, इस पर किसी का भी कोई प्रेशर नहीं होता है। आपके अल्ट्रासाउंड में जब ये लिख के आता है कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर प्लासेंटा, तो इसका मतलब होता है कि एक बेबी का आगे प्लासेंटा है बट दूसरे बेबी का पीछे प्लासेंटा है, और ये पोजीशंस बहुत ही अच्छी होती है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। एंड आपने एक चीज और देखी होगी, कभी कभी अपर एंड लोअर भी लिख के आता है, तो इसका मतलब होता है कि जो आपकी बच्चादानी होती है वो बढ़ते टाइम पर अपने आप को टू पार्ट में डिवाइड कर लेती है, जिसका एक पार्ट हो जाता है अपर यानी कि ऊपर वाला और एक पार्ट हो जाता है लोअर यानी कि नीचे वाला। अगर अल्ट्रासाउंड में अपर प्लासेंटा लिखा है तो इसका मतलब है कि आपका प्लासेंटा ऊपर वाले भाग में है, अगर लोअर लिख के आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका प्लासेंटा नीचे वाले भाग में है। अब मैंने आपको जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर का जो असली मतलब था वो समझा दिया है। अब मैं अगर अपनी ट्विन्स प्रेगनेंसी की बात करूं तो मेरे टाइम पे जो मेरे बेबी बॉय की प्लासेंटा पोजीशन थी वो अपर एंटीरियर प्लासेंटा थी, यानी कि जो प्लासेंटा था वो ऊपर वाले भाग में था एंड आगे की ओर था। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं। तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, जैसे कुछ लोगों का मानना है कि एंटीरियर से लड़का होता है एंड पोस्टीरियर से लड़की होती है, तो जैसे मेरे ही केसेस में ये बात सच हो गई कि एंटीरियर था और लड़के हुए, तो इसी तरीके से ये कहावत बन जाती है। बट इनके हिसाब से ये बिल्कुल पक्का नहीं किया जा सकता है कि आपकी अगर एंटीरियर है या पोस्टीरियर है तो आपको लड़का या लड़की ही होगा, कुछ भी हो सकता है। तो आई होप आपका थोड़ा सा डाउट क्लियर हुआ होगा, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दे ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।